सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 35 वर्षों बाद लौटा सर्कस, जिसे देखने के लिए आसपास से क्षेत्रीय लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने जब से जानवरों पर बैन लगाया है, उसके बाद से सर्कस जैसा करतब विलुप्त होते जा रहा है। आज के समय की पीढ़ी ने आधुनिक मोबाइल में ही सर्कस को देखते आ रही है, पर वर्तमान में यह कला विलुप्त होते जा रही है। 35 वर्षों बाद जब जिले के घनसौर कस्बे में यह सर्कस पहुंचा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सर्कस संचालक ने बताया कि उसके बुजुर्ग कोलकाता के निवासी थे और सर्कस में काम करना यही उनका पैसा था, पर जिस तरह सर्कस जानवरों के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए यह कला विलुप्त होती जा रही है। जो यह काम करते थे उन्होंने अब दूसरा काम करना शुरू कर दिया। अब एक ही परिवार के लोग सर्कस को संचालित करते हैं, जहां पोमेलियन डॉग और कलाकार हैं जो कर्तव्य दिखाते हैं, साथ में जोकर है जो लोगों को हंसाता है। मैंने कर्तव्य नहीं मेरा क्या बोले हूँ, मैं हो गया 8 साल चंदिया के है, चंदिया अच्छा लगता, बहुत मेरा मन ये रहते हैं, हंसाते हैं पब्लिक का, अब खुश रहते हैं, मन को खुशी मिलता है। सर ये क्या है, काफ़ी साल हो गए सर ये जानवर जब से बंद हो गए हैं, तब से सर्कस का क्या है बहुत ज़्यादा ये कम हो चुका है। लोगों को टीवी में जब इंटरव्यू आते हैं, मतलब टीवी में जो दिखाते हैं, और लोगों को जो मोबाइल पे सब होने के कारण ये सब धीरे धीरे क्लोज होते जा रहे सर। और ये सिर्फ हमारा परिवार है जो आज 7 लोगों का टीम लेके जो आज MP में हम लोग चल रहे हैं, आज 35 साल हो गए हमें, हम पूरे मंडला जबलपुर सागर इस सब क्षेत्र में हम लोग करते हैं ये सर। हम लोग को तो अभी लॉकडाउन में जो 3 साल जो हम लोग के जो स्थिति बने थे वो तो हम लोग कह नहीं सकते, एक एक दिन एक एक पल जो हम लोग बिताए हम लोग जानते हैं। और ये सर हम लोग जो ये कर रहे हैं ये हमारे बाबूजी परंपरा से करते आ रहे हैं, उन्हीं के हम पुत्र हैं। और आज हम ये करीब हमारी उम्र करीब 35 साल है सर, और हम ये 10 साल की उम्र से हम चालू कर दिए थे। हमारे बाबूजी जो है वो काफ़ी सालों से, मतलब 65 साल उनका उम्र था, अभी कोरोना में वो उनका देहांत हो गए हैं, वो उनसे हमसे भी पहले वो अपने कलाकार का प्रदर्शन कर चुके हैं कलकत्ता में। एक ही कारण है सर, जो पहले जो हम लोग के जो कलाकार थे उनका जो अभी जो टीवी मोबाइल पे जो आजकल सब घर में बैठे जो मतलब देख रहे हैं, उनका धीरे धीरे क्या है इसमें से मतलब पूरा ख़त्म होने जा रहा है। अब वो क्या है सर, हम लोग जो रियलिटी जो दिखाते हैं वो चीज़ जो है सर मोबाइल पे वो चीज़ नहीं होता जितना हम लोग रियलिटी जो करते हैं कर्तव्य, और उसमें जान जोखिम में डाल के हम लोगों को एंटरटेनमेंट करना, जो करो लोगों का हंसी मजाक। और सबसे मेन बात है सर, जब से जानवर बंद हुआ तब से सर हम लोग का ज़्यादा और स्थिति ख़राब होती है। मैं तो आज घनसौर में पहली बार देखा हूँ सर्कस आया है। कितने साल बाद ये यहाँ पे आपको जानकारी में होगा, कितने साल बाद आया है यहाँ पे? लगभग जानकारी तो मुझे किसी से माध्यम से मिली थी कि 25 साल बाद पहली बार घनसौर में फिर से सर्कस आया है। सबसे खास बात देखिए कि अब ये विलुप्त होते जा रहा है, ये जो खेल है ये बंद होते जा रहा है, इस पे आप क्या कहोगे? इसमें यही कहूँगा मैं कि क्या है, जब से जो मोबाइल आया है, जब से जो है सर्कस थोड़ा सा कम हुआ है, मोबाइल के अट्रैक्शन ज़्यादा हुए मॉल की तरफ भी लोग बाग, और सर्कस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान नहीं गया लोगों का, अधिकतर क्या हम मॉल देखते हैं आजकल। ये तो काफ़ी लंबे समय के बाद में ये आया, ये हमारे लिए इस गांव इस शहर के लिए एक छोटे से शहर के लिए गौरव की बात है। सर्कस एक हमारे कर्तव्य दिखाने का बहुत प्राचीन तरीका है, और इससे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हमारे खुद नाती पोते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, उनको ये देखने के लिए सौभाग्य की बात है। हमने ये देखा है कि यहाँ एक परिवार उस सर्कस को चला रहा है, ये तो उनके जीवन यापन का एक अवसर है, मौका है, और ऐसे कर्तव्य दिखाकर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमें ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारे पुराने जो कर्तव्य दिखाने के तरीके हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हमें इस तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो चाहूँगा कि इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन भी उनकी मदद करे, ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन करते रहें और उनका जो परिवार है बढ़िया चलते रहे। मैं ये कहूँगा कि ये सर्कस जो है आज के मनोरंजन की इस दौर पे एक पुरानी कला थी, जो पहले मनोरंजन का साधन ही सर्कस था, लेकिन ये प्रथा विलुप्त हो चुकी है, और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग
कर्तव्य के माध्यम से इस खेल को देखें और अपने परिवार को प्रेरित करें। सरकार को और जो सामाजिक संस्थाएं हैं और खेल से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि इस प्रथा को कायम रखें। सर्कस हमारे देश का बहुत पुराना प्रथा थी और सभी लोगों को चाहिए कि इस प्रथा को बरकरार रखें, विलुप्त होती जा रही है